नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों एक बहुत ही शानदार फार्मूला मैं बना रहा हूँ शीघ्र पातन नामर्दी के लिए। ये मेरे उन भाइयों के लिए है जो शीघ्र पातन नामर्दी का इलाज करवा करवा के थक चुके हैं और उनके ऊपर कोई भी दवा काम नहीं कर रही है। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ये फार्मूला है इसमें स्पेशल क्या है, स्पेशल और खास क्या है? तो दोस्तों इसमें सारी चीजें एक से बढ़ के एक हैं, सारी चीजें एक से बढ़ के एक हैं, मगर ये जो इसमें तांबा भस्म हम डालेंगे, तांबा भस्म स्पेशल वाली, ये 5-6 ग्राम ये तांबा भस्म हमारे पास बची है, तांबा भस्म स्पेशल वाली। और दोस्तों ये हमारे एक भाई की डिमांड थी, असम से हमारे ये भाई, तो वो चाहते थे कि उनके नुस्खे में तांबा भस्म थोड़ी डाली जाए, मगर तांबा भस्म मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। ये भी बस डिब्बी कहीं इधर उधर रखी गई थी, ये 5-6 ग्राम बची हुई थी, तो ये आज नुस्खे की तैयारी चल रही थी तो कुछ ये सामान निकाले तो ये तांबा भस्म भी मिल गई। तो ये हमारे भाई के लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज है, बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि उनकी दवा में तांबे की भस्म मैं डाल रहा हूँ। कल मेरी फोन पे बात हुई थी तो मैंने मना कर दिया था कि तांबा भस्म नहीं डाल पाएंगे, मगर फिर भी ये मिल गई तो ये इस नुस्खे में हम डालेंगे। तो दोस्तों इस नुस्खे के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों शीघ्र पातन नामर्दी कैसी भी हो जड़ से खत्म कर देता है, शरीर के अंदर सेक्स पावर इतनी भर देता है कि बंदा अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके अलावा कई कई औरतों के साथ इंसान सेक्स करता है, फिर इससे दोस्तों लिंग में बहुत ज़्यादा कठोरता आ जाती है, पेनिस बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता, ब्लड बहुत तेजी से पेनिस में आता, पेनिस की लंबाई मोटाई दोनों में फर्क महसूस होता है, क्योंकि जब ब्लड अच्छे से पेनिस में आएगा तो ऑटोमेटिक पेनिस मजबूत भी होगा और लंबाई मोटाई भी उसकी आएगी। अब दोस्तों बहुत ही शानदार इसमें मैं भस्में डाल रहा हूँ, तांबा भस्म तो मैंने आपको दिखा दी है, ये अभ्रक भस्म, ये बंग भस्म पारे शोरे वाली, ये शिंगरप भस्म, इसके अलावा दोस्तों मोती पिष्टी और ये परवाल भस्म। दोस्तों वैसे तो इसमें परवाल भस्म के जगह पे अगर पिष्टी डालते हैं तो इस फार्मूले की ठंडक ज़्यादा बढ़ जाती है, इधर प्रवाल पिष्टी है तो इसकी ठंडक बढ़ाने के लिए वो भी डाल सकते हैं, मगर भस्म जो मैंने ये बनाई है बहुत स्पेशल तरीके से बनाई हुई है, पीछे इसकी वीडियो मैंने अपलोड की, आप वीडियो देखें आपको पता लग जाएगा। बाकी दोस्तों ये सारी चीज़ों का मैं आपको कॉम्बिनेशन बता दूँ कौन सी चीज़ कितनी कितनी लेनी है। काली मूसली, सफ़ेद मूसली, सौंठ, रेगमाही, समुंदर सौख और बीजबंद, ये दोस्तों इस बूटी का मैं आपको नाम यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा तो आप इसके बारे में मुझे पर्सनल मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछ लें, ये बिल्कुल फ्री है, इसका किसी भी तरह का कोई चार्ज हमारे द्वारा नहीं लिया जाता। कोई भी भाई बंधु कोई भी जड़ी बूटी या भस्म के बारे में किसी भी नुस्खे के बारे में पूछता तो उसका किसी भी तरह का हम कोई चार्ज नहीं लेते। हाँ अगर कोई भाई बंधु हमसे दवा मंगवाता है या कोई भस्में मंगवाता है या जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो हमारे पास ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं तो उसका चार्ज होता है। ये दोस्तों कशकाश, ये जिंद बेदस्तर, ये दोस्तों पिपली, ये हमारी सालम पंजा, उटंगन के बीज, सालम मिश्री, केसर और काली मिर्च, ये दोस्तों विदारी कंद और भांग के बीज, केसर दोस्तों असली वाला ही लेना है, ये केसर है नंबर वन केसर है, केसर जहां से भी लें भरोसे वाली जगह से लें क्योंकि केसर के मामले में बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है। ये दोस्तों जितनी चीजें मैंने आपको बता दी हैं ये सारी चीजें 100-100 ग्राम लेनी है और बाकी ये बंग भस्म 20 ग्राम, शिंगरप भस्म 20 ग्राम, अभ्रक भस्म 20 ग्राम, मोती पिष्टी 20 ग्राम,
परवाल पिष्टी 20 ग्राम, और ये दोस्तों एक चीज कैंचुआ, कैंचुआ 100 ग्राम लेना है। इसके अलावा दोस्तों शिलाजीत मैं यहाँ पे रखना भूल गया, आपको शिलाजीत भी लेना है। ये दोस्तों शिलाजीत, ये थोड़ा कम है इस वजह से मैंने यहाँ पे नहीं रखा। शिलाजीत 100 ग्राम लेना है, तो ये शिलाजीत हमारा आने वाला है, उसके बाद ये नुस्खा तैयार होगा। अब इसके अलावा दोस्तों इस नुस्खे की जो जान है, जो इसमें टाइमिंग के लिए, जो इसमें दोस्तों टाइमिंग के लिए सबसे मेन चीज है, वो यहाँ पे मैं आपको बता नहीं बता पाऊंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लें। वो चीज दोस्तों इस तरीके से हम सरेआम नहीं बता सकते, कुछ यूट्यूब के भी नियम होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, तो इस वजह से उसका नाम हम यहाँ पे नहीं बता सकते, वो आप हमसे मैसेज करके पूछ लें। बाकी तो वैसे मेरे वैद्य भाई, तो मैं कहता हूँ कि 100% उस चीज़ को समझ ही गए होंगे जो टाइमिंग की बादशाह होती है। तो अगर आप उस नुस्खे के बिना इस फार्मूले को यूज करते हो तो आपकी टाइमिंग 10 मिनट बढ़ेगी, अगर उसके साथ यूज करते हो तो टाइमिंग 30 मिनट बढ़ेगी। वो अकेली चीज दोस्तों इतना दम रखती है। तो बाकी मेरे भाई बंधु मुझे मैसेज करके जो खुद बनाना चाहते हैं वो पूछ लें, यहाँ पे सारी चीजें मैंने बता दी हैं। बाकी किसी भाई को कोई चीज समझ नहीं आती तो वो हमसे मैसेज करके पूछ सकता है, और जिस भाई बंधु को ये दवा मंगवानी हो वो हमसे मंगवा भी सकता है। बाकी दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अपने दोस्तों से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।